अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमें यूट्यूब किचन में आपका वेलकम है। आज हम आपको बकरे की बिरयानी बनाना सिखाएंगे। इसके लिए दोस्तों हमने एक प्रेशर कुकर ले लिया, उसमें डाल देंगे 1 kg बकरे का गोश्त, बारीक बारीक कटा हुआ बोनलेस है दोस्तों। इसमें हम डाल देंगे प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची और ये लेमन बारीक कटा हुआ दोस्तों। और इसके साथ हम डाल देंगे गर्म मसाला इसमें थोड़ा सा, और इसमें डाल देंगे हल्दी, मिर्ची लाल, नमक और दोस्तों इसमें बिरयानी मसाले का एक पैकेट, कोई भी सा आप बिरयानी मसाला ले लें उसका एक पैकेट बिरयानी मसाले का ऐड कर देना दोस्तों आपने। इसमें ये बिरयानी मसाला हम ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे, ऑयल के साथ थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको हम 20 से 25 मिनट के लिए चूल्हे पे रख देंगे। इसके 1 से 2 सीटी लगा लेनी है दोस्तों, ताकि आपका जो बकरे का गोश्त है वो अच्छी तरह गल जाए दोस्तों। इसको हम चूल्हे पर रख देंगे और उसके साथ साथ हम जो है ना अपने पुलाव के लिए चावल तैयार करते हैं दोस्तों। चलो, पुलाव के लिए चावल तैयार करने के लिए हमारे पास एक पतीला होना चाहिए, उसमें हम डालेंगे ऑयल। ऑयल में इसमें हम अपने खड़े मसाले डालेंगे, दालचीनी, तेज़पत्ता, इलायची और लौंग वगैरह, और साथ में हमारे पास है कश्मीरी साबुत लाल मिर्च और ज़ीरा डाल के उसको थोड़ा सा भुनेंगे दोस्तों। इसको भुनेंगे, इसमें हम ऐड कर देंगे अपने पुलाव वाले बारीक चावल होते हैं दोस्तों, पुलाव के जो चावल होते हैं वो बारीक होते हैं, उसको हम वो ऐड कर देंगे चावल इसमें। इसको पानी ऐड करके इसको 80% हमने बॉयल कर लेना। जब तक हमारे 80% चावल बॉयल होते हैं तब तक हमारा जो है ना बकरा वो हमने निकाल के कढ़ाई में डाल लिया, ताकि उसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो खुश्क कर लिया जाए। उसमें हमने एक्स्ट्रा पानी खुश्क कर लिया। अब दोस्तों हम कैन पतीले में ऑयल ऐड करेंगे, उसमें हम चावलों की तहें लगाएंगे। चावलों की तहें लगाने के बाद उसके हम उस पर हम बकरे की तह लगाएंगे, बकरे के गोश्त की जो हमने बनाया है इस पर बकरे के गोश्त की तह लगा देंगे। इस पर फिर चावल की तह लगाएंगे, उस ऊपर से फिर बकरे का गोश्त डालेंगे, एक और तह लगाएंगे। ये तह वाली दोस्तों बिरयानी आप खाएंगे मज़ेदार, बहुत ही मज़ेदार और लजीज बनती है दोस्तों। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अहमद किचन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों हमारे फाइनल बिरयानी की लुक बहुत ही मज़ेदार बनी है।